गेल इंडिया लिमिटेड द्वारा बिछाई जा रही गैस पाइपलाइन की शिकायत लेकर दुर्ग कलेक्ट्रेट पहुंचे किसान अपनी जमीन को बचाने जनदर्शन में कलेक्टर से गुहार लगाए हैं। गेल इंडिया कंपनी द्वारा नागपुर से झारसुगुड़ा के लिए बिछाई जा रही गैस पाइपलाइन जो कि प्रस्तावित है, वहीं इस पाइपलाइन से स्थानीय किसानों के खेतों के बीचों बीच बिछाई जा रही है, जिसके चलते परेशान बोड़ेगांव रवेली डी नानकट्टी सहित प्रभावित किसानों ने सोमवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर जनदर्शन में कलेक्टर के समक्ष गुहार लगाई। साथ ही इस मामले में प्रभावित किसान ने बताया कि इस बिछाई जा रही गैस पाइपलाइन के चलते कंपनी के ठेकेदार द्वारा मनमानी किए जाने को भी अवगत कराया। साथ ही कहा कि पाइपलाइन बिछा जाने के बाद ना तो सड़क निर्माण हो सकता है और ना ही सही खेती, ये पूर्णतः गलत है। हमारी कृषि भूमि अन्य कार्य के लिए अनुपयोगी हो जाएगी तथा हमारे नुकसान को देखते हुए किसानों द्वारा अपनी असहमति लिखित में दी गई है। इसके उपरांत भी खेतों में चूना डालकर तथा किसानों को बिना किसी सूचना के चिन्हित किया जा रहा है। इस मामले में किसान ने न्यूज टीम के समक्ष पीड़ा जाहिर की। गाँव रवेली डी ननकट्ठी और अहरी किसान आए हैं आज कलेक्टर साहब से मिलने के लिए। हमारे गांव के बीचों बीच में गैस पाइपलाइन के लिए गेल इंडिया द्वारा प्रस्तावित है, तो हम लोग चाहते हैं कि वो गैस इंडिया गैस वाली पाइप की लाइन गाँव किनारे किनारे मत हो, सड़क किनारे किनारे बीच है सरकारी ज़मीन में, जिससे हमारी खेती किसानी खत्म हो रही है। छोटे छोटे किसान हैं गाँव के, सबकी ज़मीन खत्म हो जाएगी। जमीन के बीचों बीच इनके द्वारा लगाया जा रहा है पाइपलाइन, पाइपलाइन से खतरा भी रहेगा ना, हम उसे मकान बना सकते हैं ना बोर करा सकते हैं ना और कोई दूसरा काम नहीं कर सकते, हमारी आजीविका खत्म हो जाएगी। क्या चाहते हैं आप? हम लोग चाहते हैं कि इस पाइपलाइन को सड़क किनारे किनारे बिछाए, किसानों की जमीन को छोड़ दिया जाए। ये ग्राम रौली ननकट्ठी बोड़े गाँव में गैस पाइपलाइन प्राइवेट गेल के द्वारा, गेल इंडिया कंपनी के द्वारा किया जा रहा है, तो इसे हम शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि वो अपना सरकारी भूमि में इस गैस पाइपलाइन को ले जाए, जिससे किसानी का निरंतर और सही प्रक्रिया से चलते रहे। अभी हम सभी किसानों को जमीन के अंदर पाइप गैस पाइपलाइन बिछेगा, जिससे हमको किसानी आगामी करने में बहुत सारी परेशानी हो रही है, जैसे कि उसमें हम सड़क नहीं बना सकते और पेड़ नहीं लगा सकते, सिर्फ खेती के लिए जमीन रहेगा, इससे हमको काफ़ी परेशानी हो रहा है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।